आपकी क्लच पेड बार बार ख़राब हो जाता है, तो इसको चेंज करना होता है। और ये चेंज करने के लिए काफ़ी मैकेनिक जो है इसको चेंज नहीं कर पाते, इसके लिए इसको लेथ में ले जाते हैं और उसमें जो उनको काफ़ी इसमें बचत जो है लगता है। दाम इतना सस्ता है, इतना सस्ता है कि आप सोच नहीं सकते, आपको दिमाग भी नहीं आएगा जितना इस करने के लिए। यहाँ पे अगर एक छोटा सा बच्चा भी अगर काम कर रहा है तो उसको चेंज कर लेगा, लेकिन मैकेनिक भाई इसको लेथ में ले जाते हैं ताकि आपको ये लगे कि ये लेथ में बनाने के लिए जाता है, उसमें मोटा पैसा रहेगा। और यहाँ पे ये चीज़ आप ये वीडियो देख के भी भाई कर लीजिएगा, ये वीडियो कम्प्लीट देख गया और आपको क्या बोला तूने? अगर यहाँ पे हम लगा दिए और क्लच पेट इसमें लगाते हैं तो बार बार क्लच पेट का होता है खराब हो जाता है, जल्दी जल्दी क्लच पेट खराब होता है क्योंकि इसमें जो है फंसने लगता है। और उस कंडीशन में आप इंजन काम कराते हैं या क्लच पेट काम कराते हैं, मैकेनिक भाई बोलते हैं इसको चेंज करने के लिए, तो आप उसको चेंज कराते हैं और इसको जो है 700 से 800 रुपये इसको खाली ले लेते हैं और इसका ठोकाने का मतलब इसमें सेट करने का आपको अलग पैसे देना पड़ता है। लेकिन आज की इस वीडियो में भाई आपको कुछ ऐसा देसी तरीका बताएंगे जिससे कि आप इसको आसानी से घर पे भी लगा लीजिएगा, कहीं काम कर लीजिए कर रहे हैं तो वहाँ पे लगा लीजिए, आपको कहीं भी ले जाना गर्ज नहीं पड़ेगा। और ये पड़ता है सबसे सस्ता पड़ता है भाई 180 रुपये पड़ता है, आप सोच नहीं सकते कितना सस्ता आता है। मैं इसका कंपनी में बताता हूँ कौन सी कंपनी का है और कौन सा कंपनी किसमें हम डाल रहे हैं, और ये 2 से 3 साल आराम से चल जाती है, कोई दिक्कत भी नहीं था, कोई परेशानी भी नहीं करती है। तो फटाफट से हम दिखाते हैं आपको यहाँ पे लगाना कैसे भाई, एकदम खुद से लगा लीजिए, कोई भी परेशानी नहीं होगा आपको लगा देते हैं। तो चलिए फटाफट से लगा के दिखाते हैं कैसे लगता है, कितना पड़ता है और आप किस तरीके से इसको फिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो आपको 6 निशान मिलेगा, 6 इसको बैठाना होता है, किस तरीके से बैठाना आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर ये वाला जो है इसको निकालना कैसे वो भी बता देते हैं ताकि आप जो भी क्लच पेट अपनी बाइक बदलवा रहे हैं और ये ख़राब है तो उसको खुद से चेंज करा सके, बिना खर्च लगाए भी इसको आप चेंज कर सकते हैं आसानी से। चलिए फटाफट से लगा देखते हैं कैसे इसको लगाना है। तो सबसे पहले ये 6 जो पिन देख रहे हैं इसका पिन काटना होगा, यहाँ से इस साइड से निकलेगा, इस साइड से नहीं निकलेगा, यहाँ से ठोकाता है, इस साइड से रख कर ठोकाता है। सबसे पहले आपके पास एक छोटा सा गोटी होना चाहिए जो 8 से 9 नंबर का आ जाता है, जो यहाँ पर साइज में बढ़ जाए, और यहाँ पर रखना है इसको और ऐसे करके टोपन लेना है और यहाँ से 6 जो है मार्क निकालना है। इधर से मारिएगा तो इस पार से उस पार ये निकल जाता है, अभी हम इसको निकाल के देखते हैं। तो देखिए एक हमने ग्राइंडर मारा यहाँ पे, जो बोलते हैं भाई लोग ग्राइंडर मार के इसको काट के निकालना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ग्राइंडर मारा तो क्या हुआ प्लेट भी घिस जा रहा है और वही हम टोपन के द्वारा निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे प्लेट भी नहीं घिस रहा है, थोड़ा दाग बन रहा है। और फिर से हम पिन ला के इसमें मारेंगे तो पिन जो पूरा बढ़ जाएगा और दाग भी नहीं बनेगा। तो आपको टोपन से ही निकालना है, ग्राइंडर की मदद से इसको काट के नहीं निकालना है, टोपन की मदद से निकालना है। चलिए फटाफट से इसको हम पूरा बाहर करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे इसको किस तरीके से लगाना है। तो चलिए अभी यहाँ पर हमने पूरा इसको ओपन कर दिया है, अभी यहाँ पर देखिए 6 आपको लबड़ लगा हुआ मिल जाएगा। अब इसको करना कैसे है, यहाँ से हम पहले इसको बाहर निकालेंगे, तो यहाँ से मदद से इसको बाहर निकाल सकते हैं, पूरा बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसमें काफ़ी पैसा आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो लगा देते हैं, तो वीडियो उनके पास भी भेजिए जिनके पास बाइक है ताकि भाई वो भी ये चीज़ बदलवा रहे हैं तो उनको नुकसान ना हो। नहीं तो भाई इसमें मात्रा में कितना पड़ता है, 200 से 250 रुपये का खर्चा है और इसमें जो है 1200 से 1300 रुपये आप खर्चा कर देते हैं फिर भी आपको मज़ा नहीं आ पाता। और ये चीज़ अपने आप से भी कर सकते हैं, अपने हाथ से अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा निकलने में टाइम लेगा क्योंकि यहाँ पर पूरा एक टाइट रहता है, तो इसको हम दोनों साइड से फटाफट से निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे निकाल लिया है, अब देखिए कंपनी से कौन आती है, यहाँ पे किंग क्वालिटी का कंपनी आती है और यहाँ पे मैं दाम दिखाना चाहता हूँ। बहुत भाई बोलते हैं कि भाई फ्रॉड हो जाता है और इस तरह के वीडियो पे, देखिए भाई फ्रॉड और कोई तरह के वीडियो हम लोग नहीं बनाते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको 200, अब देखिए कितना लिखा है 212 रुपये, और एक यहाँ कभी भी आप लीजिएगा कोई भी दुकान से, छोटा मोटा या बड़े दुकान से, 180 रुपये में ये आ जाएगा आपको, जिसको आप आसानी से लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा इसमें, यहाँ पे 6 लबड़ आ जाएगा और इसका 6 पिन आ जाएगा जो इसमें लगता है। अब देखिए आपको लगाना क्या, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पे इसका गियर है, यहाँ पे जब निकालिएगा तो आपको इसमें साइज मिल जाएगा कि मतलब किस साइड से हम निकालें वो आपको दिख जाएगा। तो हमने इस साइड से निकाला, यहाँ पे देखिए पूरा मूर्छा बैठा तो ये अंदर की तरफ रहेगा, मतलब इतना पर रहेगा ही। तो इसको क्या करेंगे हम, देखिए ये आसानी सबसे आसान से बैठा सकते हैं भाई, और इसमें आपको ज़्यादा नुकसान कुछ भी नहीं होगा, ना ही आपका ज़्यादा मेहनत लगा, देखिए अभी लग गया। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ये बैठाना कैसे है, इतना इसको बैठाने में सोचते हैं कि भाई दिक्कत होगी, टूट फूट जाएगा, उससे भाई कुछ नहीं होता है, आप इसको आसानी से बैठा सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पे लिए और इसका हर एक पिन लेंगे, देखिए हर एक पिन यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे पहले हम 2 पिन इसमें इंस्टॉल करेंगे और इसको जो है पंच करेंगे ऊपर से, तो एक का हो जाएगा पूरा यहाँ पे जाम हो जाएगा। यहाँ पे हमने 2 पिन डाला, अब यहाँ पे देखिए इस साइड, यहाँ पे देखिए यहाँ से निकल के आया, अभी हम नहाई की मदद से यहाँ पे मारेंगे तो ये पूरा जाम हो जाएगा, जैसे कि ये पुराना इसमें जाम था उस तरीके से इसमें जाम हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे हो गया, अभी लग गया, अभी क्या करेंगे ऊपर से हम इसको पंच करेंगे, इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके ऐसे, देखिए अभी ये यहाँ पे फैलेगा, देखिए फैल रहा है, अभी यहाँ पे पूरा ये जाम कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने लगा लिया, इस साइड से लगाना और इस साइड से टोपन की मदद से मारना है। अब यहाँ पे देखिए पूरा बढ़ गया, पूरा बढ़ गया पूरा इसमें, देखिए अभी 2 ही पिन ठोके हम, 4 पिन बाकी है
दो पिन में पूरा टाइट हो गया भाई, ए बदल दीजिएगा, पिकअप इतना मस्त हो जाएगा अगर बाइक पिकअप नहीं दे रहे तो इसको एक बार बदल दीजिए। देखिए खराब हो जाता है तो इसमें क्लच पेड यहाँ पे अटकने लगता है और वहीं पर हम नया पर डाल देते हैं तो नया जैसी बाइक हमारा फिर से पिकअप देने लगती है। चलिए फटाफट इसे चालू लगाते हैं और क्लच पेड भाई इसमें देखते हैं लगाकर कितना इसमें पिकअप आ रहा है।